अभिषेक मल्हान भले ही बिग बॉस के विनर ना बन पाए हों, पर यूट्यूब के वो किंग हैं। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिग बॉस ओटीटी 2 के रनर अप अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान को टॉक ऑफ द टाउन का अवार्ड मिला है। वहीं उनके भाई निश्चय मल्हान को यूट्यूबर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। लेकिन अवार्ड मिलते ही अभिषेक मल्हान ट्रोल होना शुरू हो गए। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मांजरा। अभिषेक मल्हान को अवार्ड मिलना एलविश यादव के फैंस को रास नहीं आया और उन्होंने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। एलविश यादव के फैंस का कहना है कि वो बिग बॉस विनर है और हर तरफ सिर्फ उनकी चर्चा हो रही है, तो अभिषेक को टॉक ऑफ द टाउन का अवार्ड कैसे मिल सकता है। फैंस का कहना है कि बेस्ट यूट्यूबर के नॉमिनेशन में एलविश को भी जगह मिलनी चाहिए थी। लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि अभिषेक ने ये अवार्ड खरीद लिया है। ट्विटर पर फैंस ने लिखा, जनता आपको भी पता है कि कैसे पैसे देकर अवार्ड खरीदे जा सकते हैं, पर बिग बॉस या बिग बॉस ओटीटी 2 का ट्रॉफी नहीं जीता जा सकता है। उसे जीतने के लिए मेजॉरिटी जनता का दिल जीतना पड़ता है, जैसे एलविश यादव ने जनता का दिल जीता, बिग बॉस ओटीटी का ट्रॉफी भी जीत लिया। मीडिया पर कई तरह के इल्जाम अभिषेक मल्हान पर लग रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि जल्द ही वो जिया शंकर के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगे। इस म्यूजिक वीडियो में एलविश यादव भी उनके साथ नजर आ सकते हैं। जहां एक तरफ दोनों के फैंस आपस में लड़ रहे हैं, वहीं ये दोनों जल्द ही आपको किसी प्रोजेक्ट में साथ नजर आ सकते हैं। तो आप अभिषेक और एलविश को फिर साथ में देखना चाहते हो या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।